कैमरे में रिकॉर्ड कुछ ऐसी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जिन्हें कैमरे में हिलता हुआ रिकॉर्ड कर लिया गया। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे भगवानों की वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें इन सारी मूर्तियों से लेकर इन सभी चमत्कारों को देखने के लिए। इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से महादेव की प्रतिमा के आगे से गाड़ियां निकलती जा रही हैं, लेकिन उसी बीच एक ऐसा चमत्कार होता है जिसको कोई नहीं देख पाता, लेकिन कैमरा तो देख ही लेता है। इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा किस तरीके से त्रिशूल हवा में उड़ जाता है, महादेव का त्रिशूल हवा में उड़ जाता है। लोगों का मानना है कि ये वीडियो एडिटिंग का खेल है। आपको क्या लगता है कि इस वीडियो को एडिटिंग से ऐसा बनाया गया है या फिर ये हकीकत में कोई चमत्कार है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ये वीडियो 2017 में कैमरे से रिकॉर्ड करी गई है, मोबाइल फोन से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं आसमान के ऊपर भगवान की आकृति देखने को मिल रही है, या फिर बोला जाए तो इंसान की आकृति देखने को मिल रही है। लोगों का मानना है कि ये भगवान है, लोगों का मानना है कि भगवान उन्हें देख रहे हैं। भगवान देखने आए थे पृथ्वी का हाल इस वक्त पर क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा हकीकत है और इसमें कितना ज़्यादा झूठ है? लोगों का मानना है कि बारिश के मौसम के अंदर ये चीज़ देखने को मिली थी। आपको क्या लगता है कि भगवान हकीकत में हमें देखने आए थे या फिर ये सिर्फ एक कुदरत का खेल था? इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान दूध पीते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को अगर कोई नया बंदा आकर पहली बार ही देखेगा तो वो काफी ज्यादा चकित हो जाएगा और हैरान रूप के अंदर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगर कोई बंदा उस वक्त पर इस जगह पर मौजूद होता और इस जगह पर इस चीज को लाइव देख रहा होता तो वो और भी ज्यादा हैरान हो सकता था, क्योंकि कोई मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? अगर हम इसे वैज्ञानिकों की नजरों से देखें तो ये संभव है, क्योंकि मूर्ति इस दूध को पी नहीं रही है, ये मूर्ति इस दूध को अपने अंदर सोख रही है। आपको क्या लगता है कि मूर्ति अपने अंदर दूध को सोख रही है या फिर ये कोई भगवान का काफी बड़ा चमत्कार है? आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। हम आपका रिप्लाई भी करेंगे और आपका कमेंट भी जरूर पिन करेंगे। अब जरा एक बारी अपनी नजरें इस मूर्ति पर भी टिका लीजिए। इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से महादेव की इस मूर्ति के ऊपर निरंतर ही दूध चढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्या खास है इस वीडियो के अंदर जो महादेव की मूर्ति के ऊपर इतना ज्यादा दूध बारी बारी चढ़ाया जा रहा है? तो अब हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि महादेव की मूर्ति पर जब जब दूध चढ़ाया जाता है उस वक्त पर महादेव की दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से महादेव की आंखें बंद होती नजर आ रही हैं। लोगों का मानना है कि काफी बड़ा महादेव का चमत्कार था। महादेव से जो जो विनती इस वक्त पर लोगों ने मांगी थी वो सारी विनतियां भी पूरी हो गई थी। आपको क्या लगता है कि महादेव की आंखें हकीकत में इस वीडियो में बंद हो रही हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगले चमत्कार को देखने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो के अंदर नए हैं और आपको ऐसी वीडियो देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि हम ऐसे और वीडियो डालें तो वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे दिन लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको इस वक्त पर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल के अंदर भरे हुए हैं, आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप काफी ज्यादा चौंकने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से गणेश भगवान पानी पीते नजर आ रहे हैं। चम्मच के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन चुटकियों के अंदर ही कुछ सेकंड के अंदर ही गणेश भगवान इस पानी को पी जाते हैं। इस पानी को किस प्रकार से गणेश भगवान पी रहे हैं अगर हम इसे वैज्ञानिकों की नजर से देखें तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि गणेश भगवान इस चम्मच वाले पानी को पी नहीं रहे बल्कि इसको सोख रहे हैं। आप अपना बताइए कि आपको क्या लगता है कि गणेश भगवान इस पानी को पी रहे हैं या फिर ये कुछ और ही चीज हो रही है? आप अपना विचार हमें बता सकते हैं।